नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अब तक शानदार खेल दिखाया है। कोहली की टीम ने शनिवार को राजस्थान को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में तीसरी जीत दर्ज की। ये 7 साल में पहली बार हुआ है जब बैंगलोर की टीम ने शुरुआती 4 में से 3 मैच जीते हैं। टूर्नामेंट के 15वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर के सामने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए थे। जवाब में विराट कोहली के नाबाद 72 और देवदत्त पडिक्कल के 63 रनों के बदौलत महज 2 विकेट खोकर बैंगलोर ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ये पिछली 4 मैचों में टीम की तीसरी जीत थी। पिछले सीजन में बैंगलोर को पहले 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। ये महज तीसरा मौका है जब बैंगलोर की टीम ने शुरुआती 4 में से 3 मैच जीते हैं। साल 2010 में जब टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया था तो 4 में से 3 मैच जीते थे। वही साल 2013 में भी टीम का प्रदर्शन ऐसा ही रहा था। हालांकि टीम इस साल 5वें स्थान पर रही थी। 7 साल बाद ऐसा मौका आया है जब बैंगलोर की टीम ने पहले 4 में से 3 मैच जीते हैं। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स को हराते ही RCB की टीम पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई थी, जो कि एक और अनहोनी बात थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।